गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज राजेश सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज द रैंकर्स एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर 2 जो कि सॉल्यूशंस था उसका लास्ट पार्ट की ओर चलेंगे, जो कि हमारा लास्ट फोर्थ एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग फोर्थ, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑस्मोसिस जाननी जरूरी है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कहते किसे। तो द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पास होना कहाँ से, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब इसको आप लोग देखो बड़े अच्छे तरीके से, मैं इसको फिगर की से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होती क्या है। मान लो बच्चों, ये आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब मान लो सिर्फ और सिर्फ वाटर H2O। अच्छा, ये जो मैं रेड से बना रहा हूं, इसमें आपके पास वाटर के साथ कुछ मिक्स कर दिया, मान लो मैंने शुगर मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। दोनों का हम पाइप जोड़ देते हैं, दोनों को पाइप, बीच में हम लोग क्या दे देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, SPM इसको बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, हमेशा लिक्विड जो है वो ध्यान रखना सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाती है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसमें प्योर होता है, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूट ऐड होता है। तो लिक्विड का पास करना कहाँ से, सॉल्वेंट से किस तरफ सॉल्यूशन की तरफ, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा, तो ऑस्मोसिस हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वैसा चीज जिससे कुछ चीज पास कर सके कुछ चीज ना पास कर सके, उसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे चाय छन्नी जो होती है, उसे क्या होती है, चाय पास कर जाती है लेकिन चाय की पत्ती पास नहीं करती, तो वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। हमारा जो स्किन है, ये स्किन, तो स्किन से क्या होता है ना कि स्वेट, पसीना पास हो जाता है लेकिन ब्लड अपने आप पास नहीं हो पाता, तो ह्यूमन स्किन इज ऑल्सो अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो लिक्विड का पास करना सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस ओनली ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल, मतलब वो नेचुरल और आर्टिफिशियल मैंने खुद भी बना सकते हैं। नेचुरल कौन कौन होता है, पिग का स्किन या कोई भी एनिमल का स्किन जो है, त्वचा है, वो नेचुरल हो जाएगी। अच्छा, आर्टिफिशियल कौन है, सेलोफेन है और पार्चमेंट पेपर, ये दोनों आपको याद रखना है। देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पहला है सेलोफेन और दूसरा है आपका पार्चमेंट पेपर। ओके, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, द लिक्विड विच फ्लो, लिक्विड तब तक फ्लो करेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मतलब दोनों का लेवल, जैसे एक का लेवल ज्यादा है, मान लो मैंने एक में ज्यादा पानी भर दिया और दूसरे में कम पानी भरा, तो दोनों का लेवल अगर सेम हो जाएगा तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। तो वही बोल रहा, लिक्विड तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का क्या नहीं सेम हो जाता, दोनों का इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अब ध्यान दो होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। मान लो बच्चों, मान लो कि यहाँ पर ज़्यादा पानी है, ये वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ज़्यादा पानी है। ठीक है, अच्छा, नीचे वाली जो डायग्राम है इसमें कम पानी है, थोड़ी सी कम पानी है, यहीं तक पानी है, तो ये फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो लिक्विड फ्लो करना बंद हो जाएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम में भी अगर मान लो मैं इधर प्रेशर लगा रहा हूँ, मान लो दोनों का सेम हो गया, ये भी यहाँ पर आ गया और ये भी यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर मैं ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा, यहाँ जो लिखा हुआ आपका एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा, तो फिर से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो वही आपको लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं, द प्रेशर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। मतलब ये लिक्विड मान लो फ्लो कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये लिक्विड यहाँ से यहाँ पर फ्लो ना करे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रेशर लगाऊंगा ना। मान लो होता है क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा था और यहाँ पर क्या था, कम था, तो मैंने क्या करे, ये अपने आप फ्लो करके ये कम होते जा रहा है और ये थोड़ा बढ़ते जा रहा है, दोनों का कंडीशन क्या हो गया, सेम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मान लो कि ये पहले से भी
थोड़ी थोड़ी लिक्विड फ्लो कर रही है इधर की ओर, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये लिक्विड फ्लो ना करे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक्स्ट्रा प्रेशर, ताकि समझो हुआ क्या, पहले ये ज़्यादा थी, ये कम थी, तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, अब ये थोड़ी कम, अभी भी फ्लो कर रहा है इसमें, है ना, मतलब रुका नहीं है, इक्विलिब्रियम के बाद भी रुका नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर प्रेशर लगा देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कहते हैं। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक देता है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और वही लिखा हुआ है, इट इज़ दैट एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो कि ऑस्मोसिस को क्या कर देता है बच्चों, रोक देता है। अब आती है बात, ये तो फिगर मैंने बता दिया, ये अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाई सी, और इसका डेरिवेशन मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको, व्हाइट बोर्ड में ही बता देता हूँ डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट हम लोग करते हैं बच्चों सी से। अच्छा, तो इसका डेरिवेशन में क्या देखा गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन के। ऑस्मोटिक पी का मतलब प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, कंसंट्रेशन के। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं और कंसंट्रेशन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड किया था, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर गया, इक्वेशन नंबर टू। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पहले गाढ़ापन पे डिपेंड किया कंसंट्रेशन पे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड किया बच्चों, टेम्परेचर पे डिपेंड किया। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट लग जाता है आर, तो पाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, सी आर टी, जहाँ पर पाई का मतलब क्या है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी का मतलब क्या बच्चों, कंसंट्रेशन, आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी का मतलब क्या हो जाता है, टेम्परेचर। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ये तो सिर्फ हाफ डेरिवेशन हुई, अब हम लोग कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलरिटी, ठीक है। तो अब देखो, वी नो दैट मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब इसके बाद मैं डिराइव करता हूँ। हम लोग को पता चल गया कि पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है सी आर टी, जहाँ पर सी का मतलब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी, सॉरी मोलरिटी। तो मोलरिटी की फॉर्मूला क्या होती है, मोलरिटी की फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन वी वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, तो टू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सॉल्यूट का मोल निकालते हैं, और मैंने पढ़ाया था कि सॉल्वेंट को हम लोग वन से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को हम लोग टू से डिनोट करते हैं। तो उसका वेट हो गया गिवन वेट W2, और उसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया M2, नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों नीचे क्या है, वॉल्यूम है, तो भी वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब C के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, कंसंट्रेशन के जगह W2 बटा M2 इंटू भी, तो पाई तो पाई ही रहेगा। C के जगह हम लोग क्या डालेंगे, W2 बटा M2 तो पहले से ही है, अच्छा भी डाल देंगे, ऊपर में क्या बची है बच्चों, आर टी बच गया, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरे को निकालना है M2, मोलिकुलर मास निकालना, तो M2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू एम टू इंटू भी इज इक्वल टू डब्लू टू इंटू आर टू आर टी, वी हैव टू कैलकुलेट एम टू, तो एम टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू टू इंटू आर टी बटा पाई इंटू भी, यही होता है डेरिवेशन किसके लिए, मतलब। अब बात आता है कि सर आपने डेरिवेशन पाई इज इक्वल टू पहले सी आर टी किया, उसके बाद आपने एम टू निकाल दिया, मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया, तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसका एप्लीकेशन यही है। ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोटीन का या किसी भी कार्बोहाइड्रेट का या किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। कैसे पता करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि कोई मोलिक्यूल है जिसका प्रेशर इतना आ रहा है इतना टेम्परेचर पे, तो उसका मोलिकुलर मास कितना होगा, तो अगर हमको प्रेशर पता है, अगर हमको उसका वेट पता है, वॉल्यूम पता है, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो यूजेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आपको जो यहाँ पर बताया गया है वो क्या है, देखो यूजेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या बताया गया, कि टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन का मास निकाल सकते हैं, पॉलीमर या कोई भी मैक्रोमोलिकुल का मास निकाल सकते हैं जिसका प्रेशर दिया हुआ है और उसका मास दिया हुआ है, ठीक है। अब तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन, एक होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो हमें पढ़ानी है, ठीक है। ध्यान दो कौन कौन सी सॉल्यूशन, तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं।
एक होती है आइसोटोनिक, एक होती है हाइपोटोनिक और एक होती है हाइपरटोनिक। अब सवाल उठता है कि सर तीनों में क्या डिफरेंस है। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और टोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपो का मतलब होता है कम, लेस, और टोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके दो डेफिनेशन बनते हैं, मैं दोनों डेफिनेशन आपको बताता हूँ बारी बारी करके, ठीक है। तो अब ध्यान समझने वाली बात क्या है, ये मान लो तुम्हारा सॉल्यूट है और ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूट का प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वैसा सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब वैसा घोल जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसको हम लोग आइसोटोनिक बोलेंगे। हाइपो का मतलब कम होना, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो है वो कम होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, और हाइपर का मतलब ज़्यादा ना, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो ज़्यादा होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूट से, ठीक है। ये एक डेफिनेशन होता है। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन के हिसाब से निकालते हैं। सॉल्ट कंसेंट्रेशन का मतलब किसमें कितना ज़्यादा नमक है, नमक सॉल्ट कंसेंट्रेशन के बेसिस पे भी हम लोग किसी भी चीज़ को बता सकते हैं। तो बच्चों वैसा अगर दो सॉल्यूशन है आपके पास, कोई भी दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों में सॉल्ट कंसेंट्रेशन सेम है, माने दोनों में नमक की गाढ़ापन क्या है सेम, तो उसको हम लोग आइसोटोनिक बोल देंगे। अच्छा, हाइपरटोनिक, हाइपर किसको बोलेंगे, हाइपर का मतलब मोर। तो मान लो बच्चों कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें मोर कंसेंट्रेशन है सॉल्ट का, किसमें, सॉल्यूट में, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट में ज्यादा नमक का गाढ़ापन है सॉल्वेंट में कम है, तो उसको हाइपोटोनिक बोल देंगे। अच्छा, और हाइपरटोनिक किसको बोल देंगे, सॉरी बच्चों, सॉरी, हाइपो का मतलब कम होता है ना, तो सॉल्यूशन मोर नहीं होगा, लेस होगा, ठीक है। तो समझने वाली ये बात है कि इसमें जो सॉल्यूट है उसका सॉल्ट कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन के सॉल्ट कंसेंट्रेशन से सेम होगा, हाइपोटोनिक में जो सॉल्यूट का सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो लेस होगा, हाइपरटोनिक में जो सॉल्यूट का सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो मोर होगा, ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो भी सेल का साइज होता है वो सेम होता है। सेल का साइज क्या होता है बच्चों, सेम, मतलब मान लो मैंने एक अंडा, मैं अच्छे से बता देता हूँ, मान लो मैंने क्या किया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक एग को डाल दिया, तो इसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा, तो आंसर होगा सेम साइज होगा, क्योंकि दोनों का कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है। हाइपोटोनिक में अगर मैंने डाल दिया, हाइपो का मतलब कम होता है, ठीक है, अब ध्यान दो, हाइपो का मतलब कम हो गया ना, तो ये क्या होगा, बढ़ना चाहेगा, बढ़ना चाहेगा मतलब सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल होता है, किशमिश, किशमिश को अगर तुम पानी में डाल दो तो उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा, तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब इसका टोनिक ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो ये कम करना चाहेगा, मतलब इसका साइज पहले इतना था अब इतू हो जाएगा, मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको आपको कैसे ध्यान रख सकते हैं, आइसोटोनिक में सेल का साइज सेम होता है, हाइपो का मतलब कम होता है तो साइज बढ़ जाएगा, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है तो उसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है एग्जांपल 2.11 में, जिसमें सब कुछ दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वेट टू दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर पाई दे रखा है, आपको मॉलिकुलर मास निकालना, तो जस्ट फॉर्मूला पुट कर दो, वेट टू इंटू आर टी बटा पाई इंटू बी, सबका वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरा ये जो चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस्ड ही है, फॉर्मूला आ गया तो सब कुछ आ गया। लास्ट है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, किसको बोलते हैं, आरओ। आपने सुना होगा कि आपका जो कैंट का पानी है वो आरओ है, आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि ये मान लो सॉल्यूट है और ये मान लो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, इस दोनों को हमने पाइप से क्या कर दिया, जोड़ दिया, बीच में क्या लगा दिया, सेमी परमेबल। तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, यहां से यहां फ्लो करेगा, कौन सा प्रोसेस है फ्लो करेगा, ऑस्मोसिस से। लेकिन अगर मैं यहां बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दूं, क्या डाल दूं, प्रेशर,
तो उल्टा होगा, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगा, तो ये ऑस्मोसिस का उल्टा हुआ ना, तो उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोल सकते हैं बच्चों, कि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहीं तक हमने आज का लेक्चर लिखा था, आई होप यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरी खत्म हो गई, अब बस एक वीडियो और जाएगी इसकी, कल आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी, उसके बाद रात को इसकी वीडियो मिल जाएगी। आई होप अगर अच्छा लगा हो, देखो बच्चों अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और अगर गंदा लगा हो तो डिसलाइक कर दो। आप लोग पांच बंदे के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो पांच बंदे में तो कम से कम पांच लाइक्स तो आने ही चाहिए, बिकॉज बाकी सारे को तो हम सेंसर किए हुए, तो आप पांच बंदे अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करो, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर करो। ओके।